डॉक्टर अंकिता अश्विनी आयुर्वेद अश्विनी घर संस्कार केंद्र से आप सभी का मेरे इस अपनी चैनल आयुर्वेदिक मॉम कॉम पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आप सबको लगता होगा ना कि नाम कैसे रखा है टॉपिक का, ब्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप जब ये पूरा सेशन अटेंड करोगे ना, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इसका नाम ब्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्यों रखा है। आप खुद ही महसूस करोगे इसकी ब्यूटी को। ओके, तो चलिए, हमारे देश के अंदर आपको पता है एक बहुत ही अच्छी कहावत है, जब दो लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, लड़ते हैं, तो बोलते हैं ना, आज तेरे तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो वही कहावत हमें बताता है कि ये जो माँ का दूध है माने ब्रेस्ट फीडिंग है, वो हमें सबका सामना करने की ताकत देता है, हमें बलशाली बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, और सबका सामना करने की, सबसे लड़ने की हमें ताकत देता है। ये सिर्फ लड़ने की बात नहीं है, ये हमारी इम्यूनिटी की बात है। हाँ, हम फिजिकली फाइटिंग की यहाँ से बातें नहीं हो रही, हमारे जो हम हमारा शरीर है इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस सब आ रहे हैं ना, उनसे भी फाइटिंग की बात है। देखिए, जिसने भी अपने माँ का दूध पिया होगा वो अपने अंदर आ रहे जो बैक्टीरिया वायरस जो है उनसे भी अच्छे से फाइट कर सकते हैं, अच्छे से लड़ सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कहावत बहुत ही प्यारी है, दोनों तरफ से है कि तो फिजिकली भी आप मजबूत हो जाएंगे और इंटरनली जो हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। तो चलिए, हमारे जो इस टॉपिक के जो प्रश्न है, जो टिप्स है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। और ये जो बातें है वो सिर्फ मैं अपना नॉलेज मेरी स्टडी में जो आया था वो सिर्फ नहीं शेयर कर रही, मैं भी एक बड़े ही छोटे एकदम से क्यूट से बेबी की मॉम हूँ। तो वो जो मेरा एज अ मदर मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अभी का एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपके सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा जो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलाकर जो मैंने एक अपनी ही जो टिप्स, अपने ही जो टॉपिक्स बनाए हैं, वो बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरे हुए तो है ही, मगर बहुत ही इसमें थोड़े से ऐसे फन फैक्ट भी है और बहुत ही प्यारी चीजें जो आएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण के थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स है, जो थोड़े से प्रॉप भी है, वो आपकी जो ये ब्रेस्ट फीडिंग की जो जर्नी होती है ना, वो 6 महीने की, कोई किसी को 6 महीने की भी रहती है, किसी को 2-2.5 साल तक भी चलती है। ओके, तो ये पूरा जो पीरियड है आपका वो बहुत ही अच्छे से बिना पेन के बिना शर्म के चले, इसीलिए मैंने जो प्रॉब है उसकी जो लिंक है वो भी मैंने ये वीडियो के नीचे डाली हुई है, तो आप वो सारी चीजें देख लेना। आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं ऑनलाइन लेना तो आप ऐसे ही बाजार में जाकर वो शॉपिंग कर सकते हैं, मगर करना जरूर, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी जो जर्नी है ब्रेस्ट फीडिंग की, उसको अच्छे से करने के लिए पेन फ्री और शर्म के बना। ओके, शर्म क्यों है, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पर हम जाते हैं और अचानक से उसको भूख लगती है बेबी को, उसे हम कैसे खिला दे सकते हैं सबके सामने। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप किसी भी जगह पर किसी भी वक्त पर अपने बेबी को फीड करा सकते हैं, उसको बुखार नहीं रखना है। ओके, तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, घर संस्कार की एक कोच हूँ, तो मुझे ये जो प्रश्न जो बारी बारी से बहुत बारी प्रश्न पूछे जाते हैं, वही मैंने एक लिस्ट बनाई थी, और जो 2 दिन पहले मैंने जो ऐड दी थी उसके बाद मुझे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सारी एक लिस्ट बनाई है, जो कॉमन प्रश्न है वो मैं आपके साथ बारी बारी से शेयर करूंगी। तो आपको राइट डाउन करना है तो फिर आप नोट और पेन ले लीजिए और लिखना। ओके, तो आपको याद रहेगा, नहीं लिखना है कोई बात नहीं है, वीडियो रिपीट में देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये जो वीडियो है वो आपके आसपास ऐसे आपके नेबरहुड में, आपके रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंड में ऐसी कोई मदर
प्रेग्नेंट लेडी है या फिर अभी अभी बनी हुई मदर है, तो उनके साथ श्योरली उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो चलिए हम चालू करते हैं हमारा एक अद्भुत टॉपिक जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहला प्रश्न है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू करना चाहिए? आपको लगेगा बहुत ही आसान जो प्रश्न सबने पूछा है, मगर बहुत ही लोग कम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के बर्थ के तुरंत बाद करना है। ओके, बेबी के बर्थ के तुरंत बाद। तो आप तो बोलोगे मामा तो थकी हुई होती है उस वक्त, तब भी कराना है बेबी को, क्योंकि जो फर्स्ट आवर होता है ना बेबी को, बेबी का बर्थ के बाद जो फर्स्ट आवर होता है ना, वो जो टाइमिंग है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है, क्योंकि गोल्डन आवर मीन्स सोने का समय नहीं होता, मगर वो जो पीरियड रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस वक्त माँ के स्तन में से वो जो प्रवाही आता है वो बहुत ही बेनिफिशियरी रहता है और बेबी के लिए। देखिए वो जो फर्स्ट आवर में बेबी फीड करेगा ना, तो तीन दिन तक कोलोस्ट्रम करके एक लिक्विड आने वाला है मामा के ब्रेस्ट में से, वो बहुत ही अच्छे से वो सक कर पाएगा, पान कर पाएगा, वो एकदम से अमृतमय रहता है। वो जो बेबी ने कर लिया ना, एक घंटा उसने ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर लिया ना, तो तीन दिन बहुत ही अच्छे से वो कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम बोल रही हूँ, अभी ऐसा नहीं कि छोटा है तब तक ही यूजफुल रहेगा, मैं लाइफ टाइम बोल रही हूँ। इसीलिए यही जो कारण है, इसलिए बोला जाता है तूने अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ जा, तो वही तो बोल रही, यही बोल रहा है कि एक जो पहला जो घंटा के दूध बेबी ने पी लिया, उसके बाद जो तीन दिन का जो दूध रहता है ना माँ का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है और वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, जिससे बेबी की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। ओके, उसकी सर्वाइवेंस की जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो प्लीज अब टू बी मॉम्स, आप बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपका बेबी आया नहीं है, तो जब भी बेबी आता है आपको अपने डॉक्टर को पहले से ही बोलकर रखना है कि मैं मेरे बेबी को तुरंत ही उसके जन्म के तुरंत बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहती हूँ। क्योंकि कराना ही है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अभी मॉम्स, अभी जो मॉम बन चुकी है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपने पहले ही घंटे में नहीं करवाया तो जो तीन दिन आपने करवाएगा उससे भी उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और बहुत ही उसको लाइफ टाइम के लिए यूजफुल रहेगा। ओके, और कुछ ये जो मैंने बोला उसमें और कुछ आपको पूछना है कि कैसे कराना है, वो सब पीछे आ रहा है, तो चिंता मत करो, सब कुछ मैं कवर कर रही हूँ। ओके, तो ये जो हुआ ना कैसे, अभी दूसरा प्रश्न है कि कैसे कराना है, जो फर्स्ट आवर होता है ना गोल्डन आवर, वो चालू कैसे करवाना है हमें? तो एक बढ़िया सी एक टेक्निक है, उसको बोला जाता है ब्रेस्ट क्राउ। बेबी जैसे वो पता है ना, वो हम बोलते हैं वो पैरों से घुटनियां लेना चालू कर रहा है, क्राउनिंग कर रहा है, वैसे ही जन्म के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपके बेबी को आप जब ऑपरेशन थिएटर में ही है तब भी वो आप कर सकते हैं, मगर किसी की हेल्प लेना, ओके, रिलेटिव की ले सकते हैं, फादर्स की ले सकते हैं, और वहाँ जो नर्स है, कंपाउंडर है, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं आप। तो क्या करना है, बेबी को आपके स्टमक पर रख देना है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। तो नहीं है तो फिर क्या करना है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो क्या करना है, बेबी को अपने स्टमक माने एब्डोमेन पर रख देना, पेट पर रख देना है। तो बेबी क्या करेगा, अपने छोटे 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 हाथ से वो आपके ब्रेस्ट पर आएगा और वो जो निप्पल है उसको अपने हिसाब से सर्च करके वो फीडिंग चालू कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही प्यारी चीज वो। अब देखो टू बी मॉम्स के लिए है ये चीज,
कि आप ये करोगे ना तो वहां उस टाइम आपके अंदर इतने गुड फील हॉर्मोन्स उत्पन्न हो गए कि आपका जो पूरा ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड रहेगा इतना जॉयफुल रहेगा। आपको ये चीज याद आएगी कि आपने बच्चे के साथ ऐसा करा था, आपके बच्चे ने आपको ऐसे रिस्पॉन्स दिया था, तो कितना खुश होगी आप। वो जो मोमेंट होता है उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही। आप अपने हिसाब से आप मुझे ये जो आप करोगे तो प्लीज मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट में लिखना। और ये जो वीडियो है आपको इतना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं उस टाइम को कोई शब्द में हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। वो बहुत ही जॉयफुल मोमेंट रहता है। तो हमारा पहला प्रश्न आपको पता चल गया ना, उसमें कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछ देना, कोई बात नहीं। अभी हम आगे जाते हैं। हाँ, जो ब्रेस्ट रोल है वो बहुत ही सिंपल है, उसके बाद फिर आप नॉर्मली उसको अपने ऊपर ही लेकर ब्रेस्ट फीडिंग कराना है उसको, जब तक उसे करना है तब तक। ओके, उसके बाद बहुत ही बढ़िया एक चीज आपको करनी है, बेबी को वहां ही रखना है और उसको कांगर मदर केयर देनी। कांगर मदर केयर क्यों देनी है वो सब कुछ पीछे आने वाला है अभी। तो आपको पता चल गया कब देना है फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम कैसे देना है, दो पॉइंट हो गए। अभी आगे जाते हैं। जो मदर सीजरियन डिलीवरी की हुई है, जिस मदर की सीजरियन डिलीवरी हुई है उसको कब कराना चाहिए, उसको फीडिंग कब से चालू कराना चाहिए, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मल से ज्यादा सीजरियन डिलीवरी ज्यादा हो रही है, एपिड्यूरल ज्यादा हो रहे है, तो ये जो सारी डिलीवरीज है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो आपका वो कौन सा एनेस्थेसिया दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू कराना है। तो कभी कभी स्पाइनल, लोकल स्पाइनल भी दे देते हैं, कभी जनरल भी दे देते हैं। अभी जनरल बहुत ही कम देते हैं एनेस्थेसिया, तो जनरल में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मगर स्पाइनल, लोकल स्पाइनल दिया है तो आप ऑपरेशन थिएटर में ही चालू कर सकते हैं, मगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे नर्स है आपके पास, या फिर आपके हस्बैंड को साथ में रखा है तो, या फिर आपकी मदर है तो किसी को भी अपने साथ रखकर उनसे बेबी को होल्ड करना है, ऐसा बोलकर बेबी को फीडिंग कराना है। अभी आपको वो जो ब्रेस्ट रोल है वो नहीं कराना, क्योंकि अभी आपके स्टिचेस ले रहे होंगे, एब्डोमिनल पर स्कार होगा तो वो अभी कर रहे हैं ना, वो स्टिचेस लेना लेने की प्रोसेस हो रही होगी, तो आपको वो डॉक्टर अलाउ ही नहीं करेंगे। तो क्या है कि आपको ऐसे ही ब्रेस्ट फीड कराना है, उसको ब्रेस्ट पर रखना है, उसको कांगरू मदर केयर तो देनी ही है। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी का पाव आपके एब्डोमिनल के पास ना जाए। और अभी आपको भी वो जो मैंने बोला कि 3 दिन वो आपको पूरे आराम से बेबी को फीड कराना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप ऐसा सोच कर रखोगे कि मैं तो अभी सीजर हो रहा है मेरा तो फिर मैं कैसे कराऊंगी, मगर आपको जब भी पता चले आपकी सीजरियन डिलीवरी होने वाली है, पहले से तय नहीं होती, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट सीजर थी तो आपको लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी दूसरी भी सीजर रहने वाली है, या फिर कोई दिक्कत आ गई 7वें 8वें 9वें महीने में पता चला कि ये प्रॉब्लम है, और फिर आपको पता चला कि अभी नॉर्मल नहीं होने वाली और सीजर पर ही जाना पड़ेगा, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि सर मेरी या मैडम जो भी हो उनको बोलना है कि मैं अपने बेबी को जन्म के तुरंत बाद उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना। तो वो करते हैं, सारे कहने करते हैं हेल्प आपको, कि आपको जैसे कराना हो वो अभी के डॉक्टर सारे आपको हेल्प करेंगे। तो प्लीज उनको पहले बता देना है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। वो पहला घंटा ना हो पाए तो 3 दिन तो ऐसे रहने ही चाहिए कि जो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने बेबी को फीड करा पाए।
अभी क्या होता है सीजरियन में नॉर्मली थोड़ा सा कम रहता है, बहुत ही कम रहता है, मगर सीजरियन में क्या रहता है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो उसमें क्या है कि आपको पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स के कारण आपको ऐसा ना लगे कि दूसरों को भी लगता है कि पेन किलर्स ले रही है, एनेस्थीसिया के असर है तो बेबी को कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, एनेस्थीसिया का असर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, और वो उस टाइम भी आप शायद आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो क्या होगा कि आपको भी आप भी सोते रहोगे और बेबी भी सोता रहेगा, उससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। तो आप बिंदास उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो ज्यादा सोएगा और आप भी ज्यादा सोने वाली हो, क्योंकि एनेस्थीसिया की थोड़ी असर रहती है ना, तो नींद ज्यादा आती रहती है, तो और कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाली। दूसरी, पेन किलर्स, आपको लगेगा मैं तो पेन किलर्स ले रही हूँ, मेरे बेबी पर उसकी साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना, नहीं होने वाली, क्योंकि आपके जो डॉक्टर वो खुद डायनेक है और आपको जो दवाई दी है वो वैसे ही देगी जो अपने बच्चे को प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ओके वैसे ही दवाई देगी, तो आपको वो सारी पेन किलर्स अपने अपने डोज के हिसाब से लेनी ही है, जिससे क्या होगा कि आप पेन फ्री रहेगी। दूसरा क्या होगा, आप पेन पर कम ध्यान देगी तो आप बेबी पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी, अपनी मदरहुड को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगी। जितना आप बेबी को देखेगी, बेबी को एंजॉय करोगी, इतना ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगा। ओके, अभी क्या हो रहा है कि मैंने बहुत बारी सुना है मैडम मेरा सीजर हो गया है तो अभी ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है, बहुत मेरा बेबी बहुत भूखा रह रहा है, मैं ऊपर किसका क्या दूँ, बकरी का दूध दूँ या फिर गाय का दूध दूँ या फिर फॉर्मूला मिल्क दूँ, मगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने पहले से ही ध्यान रखा होगा तो फिर आपको अपने बेबी को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, कम से कम 6 महीने, उसके बाद तो मैं ही बोलती हूँ कि कुछ तो दो, ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग पर मत रखो, उसको ज्यादा चाहिए, उसको अभी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है कि दो दो दो, मैं बड़ा होना चाहता हूँ और चाहती हूँ। ओके, तो हमारा ये जो है कि सीजेरियन के बाद कब कराना चाहिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगी। और अभी इस बात का दोनों, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर दोनों को, दोनों मॉम्स को याद रखना है कि पहले 3 दिन बेबी को बारी 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 बहुत बारी आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। कोई भी काम छोड़ दो, कोई भी आपको पेन हो रहा वो छोड़ दो, वो किसी पर ध्यान नहीं देना, एक ही चीज पर ध्यान देना है, ब्रेस्ट फीडिंग। कोई आपके जो मेहमान है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको बोल दो पहले 3 दिन, अभी किसी को, अभी तो बहुत अच्छा है कि कोरोना फेस चल रहा है, ऐसे कोई नहीं मिलने वाला, मगर इसके बाद तो शायद ये वीडियो कोई देखेगा तो उनके लिए बोल रहे कि जब 3 दिन तक तो कोई रिलेटिव को अलाउ मत करो मामा के पास, क्योंकि उस टाइम बेबी को सिर्फ और सिर्फ नींद और ब्रेस्ट फीडिंग, नींद और ब्रेस्ट फीडिंग, वो छीछी पीपी तो होता रहेगा, मगर मम्मा को क्या उसको देना है, फीडिंग। ओके, उस 3 दिन के अंदर आपने इतना फीडिंग करा देना है बेबी को, तो वो पूरी जिंदगी आपका भरी रहेगा आपका, आपके लिए वो बहुत ही आपको वेरी वेरी थैंक यू बोलेगा जब वो बड़ा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, तो 3 दिन आपको और कुछ नहीं करना, किसी पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने बेबी को फीड कराने पर ध्यान देना है। और जब भी बेबी उठता है, सोता है, अभी तो सब कुछ आएगा कि कैसे कब कब कराना है, कब कब नहीं कराना, वो सब कुछ आएगा, कब नहीं कराना वो तो आएगा ही नहीं, कब कब कराना है वही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि जो अभी मैंने बोला कि नॉर्मल और सीजर दोनों मम्मा को बहुत ही बारी बारी ब्रेस्ट फीडिंग कराना, फ्रीक्वेंटली कराना है। शायद आपका बेबी सो गया है तो उसको उठाओ और खिलाओ, उठाना मीन्स उसकी आंखें खोलकर खिलाना ऐसे मैं नहीं कह रही, और कैसे कराना है कि बेबी सो रहा है ना, तो आप जब उसकी आस ब्रेस्ट पर उसके मुंह को रखोगे ना तो उससे इसकी स्मेल आती है, तो स्मेल से उसको पता चल जाता है कि अपना खाना आ गया, अपने को भी पता चल जाता है कि घर में खाना क्या बन रहा है,
तो उसको भी पता चल जाए। मेरे जो घर संस्कार वाले पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो बहुत ही उसकी सूंघने की शक्ति तो बहुत ही पावरफुल रहती है, तो उनका तो पता चल जाए मम्मा का आ गया है और भी मेरे को खाना है। तो आप भी ट्राई करो कि बबी को अपने ब्रश के नजदीक लाओ और फिर थोड़ा सा एक दो बूंद उसके मुंह पर लगा दो। अभी स्मेल से नहीं उठ रहा तो टेस्ट तो 100% उठ जाएगा, तो वो आंखें नहीं खोलेगा मगर वो खाना शुरू कर देगा। ओके, तो वैसे करके उसको जगाकर वो ऐसे झूला करेगा कि उठो उठो अभी खाना है, वैसे नहीं खाना है उसको, खिलाना उसको सोते हुए ही, उसको एकदम प्यारे से वो सोता रहेगा और खाता रहेगा, सोता रहेगा और खाता रहेगा। वो तो आप करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कैसा ये एक्सपीरियंस कैसा है, बहुत ही अद्भुत। देखिए हमारा जो टॉपिक है उसका जो नाम है उसको, वो धीरे धीरे से आपको पता चल जाएगा क्यों ब्यूटी रखा है मैंने नाम। अभी आगे चलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कि एक ब्रश में से कराना है कि दोनों ब्रश में से कराना है कि बारी बारी से करवाना है, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन है ना, तो वो चलो वो दूर कर देते। तो अभी जो डॉक्टर्स है, मेरे जो भी डॉक्टर, मेरे भी पीडियाट्रिशियन थे और सब मेरे पेशेंट के भी जो पीडियाट्रिशियन है, उन सबका एक ही कहना था कि आपको बारी बारी से एक सीटिंग में आप लेते हो ना बेबी को, तब एक बारी में आपको दोनों ब्रश में से फीडिंग कराना है 15-15 मिनट, उन्होंने बताया ऐसा बता रही मैं आपको 15। वो उनकी उनके हिसाब से वो सही है, मगर प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बेबी 15 मिनट तो वो उनका स्टार्टिंग होता है, वो बोलते हैं ना कि स्टार्टअप करते, वो ऐसे 15 मिनट तो स्टार्टअप करते, एक कभी कभी तो आधा घंटा, कभी कभी तो 1.5 घंटा, कभी कभी तो मैक्सिमम 2 घंटे तक वो खाते रहते। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 15-15 मिनट, वैसा कुछ नहीं, ऐसी कोई सीमा, समय की कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है कब तक कराना चाहिए और किससे कराना चाहिए। तो मगर मैं आपको एक बढ़िया सी टिप्स दूंगी, तो अभी आपके बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, ओके, तो आधा घंटा हो गया तो आपको बैक पेन होगा, तो आप उस वक्त बेबी को दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा लगे कि बेबी को ज्यादा ऐसे शिफ्ट करने से बेबी खा नहीं रहा। ऐसा होता है कि बेबी सोते सोते खाते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर नहीं खाते और फिर सो ही जाते हैं। तो वैसे आप थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, क्योंकि अपना ही बेबी है, तो शायद फिर ऐसे लगे कि अभी तो आधा घंटा भी हो गया, अभी तो चेंज करना है, तभी कर लीजिए, ओके। मगर शायद आपका बेबी आधा घंटा पौना घंटा खा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक रबर बैंड ले लेना है और रबर बैंड को अपने अपने जिस ब्रेस्ट पर से खिला रहे हो ना वहां रखना है, ओके। अभी नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि इस बाजू से हमने इस साइड से खिलाया था, तो नेक्स्ट टाइम से इस बाजू से खिलाना है, तो आपको पता चलता रहेगा कि दोनों ब्रेस्ट में से हमको खाना खिलाते रहना है। मगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, अपना अपना बच्चा बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आज्ञाकारी है, तो एक एक दोनों एक टाइम में दोनों बाजू से खा रहा है अच्छे से और सोता नहीं और डिस्टर्ब नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप अपने डॉक्टर के जो बताए हैं आपने 15-15 मिनट वाला जो शेड्यूल है वो पालन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर कभी कभी बेबी बहुत हंगरी, जिसको मैं नाम देती हूँ, अपने बहुत सारे पेशेंट है उनके ना जो बेबीज रहते हैं उनके अलग अलग टाइप मैंने रखे हैं, हंग्री बेबी, स्लीपी बेबी, ऐसे नाम रखे। तो ये जो हंग्री बेबी रहते हैं ना, वो स्लीपी बेबी भी रहते हैं, हंग्री स्लीपी बेबी वो एक ही रहते हैं, क्योंकि जितना वो खाएगी ना उतना ज्यादा वो सो देगी और इतना मम्मा रिलैक्स रहेगी। तो अल्टीमेटली आपको रिलैक्स रहना है, तो बेबी को जब फीडिंग कराते हो तब भी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा फीडिंग कराओगे उतना ज्यादा फीडिंग वो करेगा और आप में बनेगा। अब नॉर्मली मदर को क्या रहता है,
कि मेरा बेबी भूखा तो नहीं रहा, मेरी बेबी को जो खाना खाता है वो उसको ऐसे अच्छे से खाना मिलता है या नहीं मिलता, और फिर कम बढ़ता होगा तो क्या होगा। मगर वैसे कुछ नहीं होता, उसको कम बढ़ता है तो मांग लेगा, आप चिंता मत करना। अभी मेरे पेशेंट तो अभी थोड़े दिनों पहले एक डिलीवरी हुई है मेरे, गर्भ संस्कार किए हुए एक कपल की, तो उनको जो बच्चा हुआ है वो इतना खाना मांगता है। तो मेरे वो जो लेडी थी उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम ये ओवरफीड तो नहीं कर रहा ना। मैंने बताया ऐसा कोई शेड्यूल बेबी का नहीं होता है कि वो ओवरफीड करेगा, नहीं करने वाला। बेबी जब बेबी को लगेगा कि अभी बस बहुत हो गया, खाना खा लिया मैंने, तो तुरंत वो छोड़ देगा, वो उसकी चिंता मत करो। कम होगा तो भी मैं बता रही हूँ आगे कैसे हमको पता चलेगा कि बेबी को आपका फीडिंग कम हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। मगर ये जो है कि बेबी को कभी भी आपका फीडिंग ओवर नहीं हो वो लेने वाला, तो चिंता मत करना। ओके, और आपको अभी रेडी रहना है। ओके, न्यू मॉम्स के लिए, मॉम्स तो रेडी ही हो है, उनको तो पता ही चल गया है कि क्या है, मगर जो टू बी मॉम्स है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको अभी 24/7 ये ध्यान रखना है कि आपकी ड्यूटी लगने वाली है। आपके तो लग गए ऐसे नहीं, मगर आपकी ड्यूटी लगने वाली। ओके, तो चलिए आगे जाते हैं, क्योंकि इसमें जितना हम अंदर जाएंगे उतने ही अंदर चले जाएंगे। तो हमारे अगला जो टॉपिक है कि बेबी को कितनी बार फीडिंग कराना चाहिए। ओके, तो पहला वाला प्रश्न था कि नॉर्मल के बाद कब कराना चाहिए, दूसरा टॉपिक था कि सीजर के बाद कब कराना चाहिए, तीसरा प्रश्न ये था कि दोनों ब्रेस्ट में से बारी बारी कैसे कराना चाहिए। तो अभी चौथा प्रश्न है कि मम्मी को दिन में कितनी बार बच्चे को फीडिंग कराना आइडियल कहा जा सकता है, कितनी बार कराना है आइडियल। ओके, चलिए तो हम मेरे साथ बोलिए डिमांड एंड सप्लाई। ओके, रेडी, डिमांड एंड सप्लाई, तो ये रूल है हमारे ब्रेस्ट फीडिंग का। ओके, तो इसका क्या मतलब है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय की मर्यादा नहीं है, कितनी बार कराओगे, कितनी देर तक कराओगे, कोई आइडियल टाइम नहीं है कहीं भी। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, जितनी मांग है उतना सप्लाई करना है। ओके, तो बेबी जितनी बार मांगता है उतनी बार आपको देना, ये रूल आपको दिमाग में ऐसे फिट कर देना है कि वो जितनी बार मांगेगा उतनी बार देना है, जितनी देरी तक लेना चाहे उतनी देरी तक उसे देना है। मगर आपको लगेगा टू बी मॉम्स को तो पता होगा, मगर टू बी मॉम्स जो है उनको ऐसा लगेगा कि इतना सारा दूध आएगा, उतना सारा फीडिंग आएगा। यस, वो भी अपना जो शरीर है वो भी यही एक रूल पर काम करता है, मगर उसका उल्टा है। जितना आप सप्लाई करोगे उतना वो डिमांड करेगा, जितना आप सप्लाई करोगे उतना ब्रेस्ट वो जो हमारा जो ब्रेन नर्व सिस्टम है वो डिमांड करेगा, तो वो ब्रेस्ट अपने आप से बनाना चालू करेगा। तो वो जो ग्लैंड्स है सारी की सारी, डक्ट है, लैक्टेशन डक्ट है, उसमें बनना शुरू हो जाएगा। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो यही ऊपर काम करता है कि जितना सप्लाई हो रहा है, जितना बेबी ले रहा है उस हिसाब से वो बना रहा है। ओके, मांग रहा है कि चलो बनाओ, बेबी ने खा लिया, अभी बनाने का टाइम हो गया। मगर देखा आप नहीं बेबी को दोगे, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। बेबी ने मांगा और आपने दिया, मगर अपने शरीर का कैसा है कि दिया है तो मांगना है। ओके, तो आप दे रहे हो तो जो हमारा बॉडी है वो मांगेगा कि चलो दे दो, तो हमारे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है
वो एकदम जागृत हो जाएगा, प्रोलैक्टिन सबको ऑर्डर दे देंगे, चलो बनाओ दूध बनाओ, बेबी का लिए बेबी के खाने का टाइम होने वाला है, आप बनाओ बनाओ, तो बनने लगेगा। तो बहुत ही आसान रूल्स है, दो है, बेबी के लिए अलग है, बॉडी के लिए अलग है। ओके, तो चलिए अभी आगे जा रहे हैं कि बेबी जितना भी मांगे उतना देना है, और इसमें कि कोई भी आपको समय रेखा नहीं है, मगर हाँ आप एक टाइम टेबल जैसा बना सकते हैं कि जैसे 3 दिन के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि 3 दिन में जितना बेबी खा रहा है उस टाइम को आपको नोट करना है, फिर कितनी बार खाया वो नोट करना है, कितनी देरी तक उसने ये खाया तो वो भी आपको हिसाब रखना है। तो इससे क्या होगा कि उसके बजाय का जो टाइम है, उसके अलावा का जो टाइम है वो आप अपने आप के लिए दे सके, वो भी बहुत जरूरी है ना, अपने आप के लिए भी, जो उस टाइम ही नहीं मिलता है, अभी लगता है कि अभी खिलाया अभी चिची बोटी, अभी खिलाया अभी चिची बोटी। ओके, तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइमिंग है वो आपके हिसाब से नहीं बनाना, बेबी के हिसाब से आपको नोट डाउन करना है 3 दिन के लिए, फिर 1 वीक के लिए आपको देखना है कि उस हिसाब से जा रहा है, तो जा रहा हो तो बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कभी कभी बेबी को डायरिया हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते, मगर कभी कभी हो जाते हैं, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकते, बेबी छोटा बेबी 1 दिन में 7 बारी भी कर सकता है और 1 दिन में नहीं भी कर सकता है, पूरा 1 दिन चला जाए 2 दिन चला जाए नहीं करते, वो सब कुछ नॉर्मल है। ओके, तो उस हिसाब से आपको वो टाइम टेबल बनाना है, कभी कभी उसमें थोड़े से ऐसे अप डाउन हो जाएंगे, मगर एक अच्छा सा शेड्यूल बन जाएगा, तो क्या होगा कि आप अपने लिए भी एक अच्छा सा टाइम स्पेस निकाल पाओगे, अपने लिए थोड़े से, अपने हस्बैंड के लिए भी। ओके, तो ऐसा करना तो बहुत ही बढ़िया, आपको टाइम मिलेगा अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेबी के लिए, कि उसके लिए भी आपको कुछ कुछ करना होता है ना, तो पहले से आप सब कुछ अरेंजमेंट करके रखे तो बहुत ही आसान रहेगा सब कुछ। अभी मेरे जो पेशेंट है तो उनको एक चीज रहती है कि मेरे बेबी को ये फीडिंग कम तो नहीं हो रहा है ना, कम तो नहीं पड़ रहा है ना, वो भूखा तो नहीं रहेगा ना। तो चलिए ये आपकी जो समस्या है उसे आज हम दूर कर रहे हैं, तो आप अपने जो मैंने बोला जो शेड्यूल बनाया है ना उसमें वो भी लिख दीजिए कि वो पोटी कब करता है, पोटी नहीं करेगा तो चलेगा मगर वो सुसु कब करता है वो उसका मेंशन करिए कि आपने खाना खिलाया उसके बाद पोटी या फिर सुसु कब किया, उसका भी आप रिकॉर्ड रखिए। तो आप 1 वीक के लिए जो रिकॉर्ड रखोगे, पहले 3 दिन के लिए फिर 1 वीक के लिए जो रिकॉर्ड रखोगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर या खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर बेबी सुसु या पोटी कर रहा है, कभी कभी खाना खाने के 4 घंटे के बाद भी पोटी कर सकता है, ऐसा सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन करो उस टेबल में, टाइम टेबल के अंदर, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका बेबी 1 घंटे के अंदर, दो फीडिंग के 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर वो सुसु कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके बेबी को अच्छे से खाना मिल रहा है। ओके, बेबी 1 घंटे में 2 घंटे में 2.5 घंटे तक एक बार सुसु कर लेता है खाना खाने के बाद, तो समझो कि आपका बेबी पूरे से वो खा रहा, वो भूखा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण उसमें बात है कि बेबी रो नहीं रहा, ओके, अच्छे से सो रहा है। तीसरी बात, अच्छे से सो रहा है, और चौथी बार जब भी उठता है हंसते उठता है और एक्टिव रहता है ना, वो आजू बाजू देखता है, कुछ भी हाथ में आए तो पकड़ लेता है या फिर आपके जैसे बालों को खींचता है या फिर आपके मंगलसूत्र या चेन जो भी पहने उसे खींचता है, आपके जो भी कपड़े होते हैं ना वो उसको खींचता है, वो सब वो एकदम से एक्टिव होना चाहिए। ऐसे उठकर जैसे बहुत ज्यादा रोता है या फिर सोता ही नहीं है या फिर बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको पता चल जाएगा उस वक्त जब आप मॉम बनोगी तब,
तो वैसे किसी भी आपको इसमें से कोई सिम्टम्स लगे तो आपको देखना है कि शायद शायद बेबी को पूरा ब्रेस्ट जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। ओके, तो क्या थी बात कि बेबी को कम तो नहीं मिल रहा ना ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी 1-2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर अंदर एक बार सुसु करना चाहिए, या फिर बेबी को पूर्ति जो बेबी एकदम से अच्छे से उसको नींद आनी चाहिए। तीसरी बात कि बेबी जब भी उठे तो एकदम से हंसते खिलखिलाट उठे, और अब ऐसे तो नहीं होते, अभी तो मेरे जो घर संस्कार वाले पेशेंट होते हैं उनके बेबी होते हैं, कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं होते, मगर मोस्ट ऑफली मुझे अभी तक जितने भी रिजल्ट मिले तो उसमें ऐसा है कि बेबी हंसते हुए उठते हैं। मगर बेबी आपका आपने घर संस्कार कराया है फिर भी बेबी हंसते हुए नहीं उठ रहा है, तो डोंट वरी, वो कोई भी और प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो भूखा है या चीची पोटी अंदर कर दिया है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारे हम धीरे धीरे इसमें आएंगे। तो और चौथी बात है बेबी एक्टिव रहना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ा रहे उठकर भी पढ़ा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम से कुछ भी हाथ में आए तो उसके पकड़ना चाहिए उसको खींचना चाहिए ऐसा कुछ करना चाहिए। ओके, आवाज की दिशा दिशा के अंदर वो ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व शायद हो गया होगा, मगर क्वेरी है तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अभी आगे जाते हैं कि ऐसा सच में है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है, ओके, फीडिंग बहुत ही कम आ रहा है, या फिर सीजरियन के बाद बेबी को हमने फीडिंग करवाना चालू करा तो बेबी अभी फीड बहुत कम कर रहा है, या फिर बेबी को चूसने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये जो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो बेबी को फीडिंग कम नहीं हो रहा ना, तो कम हो रहा है शायद, तो अभी जो कम हो रहा है तो हमें पता चल गया है कि उसमें जो 4 में से कोई एक बात है, तो इसमें शायद ये तो आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि कम तो नहीं पड़ रहा है, 4 में से कोई आपको 1, 2 या 3, कम से कम 3 तो दिखाई देने चाहिए, एक नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर 3 चिन्ह है तो फिर बेबी को शायद फीडिंग कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे तो बढ़ेगा। तो एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं बता रही हूँ कि आपको एलोपैथी ड्रग्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, फीडिंग के लिए कोई हार्मोन एंड टेबलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक में ऐसी बहुत सी चीजें आती है जो आपका वो फीडिंग बढ़ा सकती है, जैसे मैं नॉर्मली उसके कोई दवाई का नाम नहीं दे रही हूँ, मगर उसमें जो कंटेंट है जो मेन कंटेंट उसका नाम बता रही हूँ, सतावरी करके आता है, सतावरी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, सतावरी सतावरी। ओके, सतावरी ड्रग ऐसी है कि जो बेबी के लिए भी अच्छे है माँ के लिए भी अच्छी है, तो वो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कभी भी पूरे प्रेगनेंसी थ्रू में भी ले सकती है। और ये जो हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड रहता है पूरा का पूरा 6 से 2.5 साल का, उसमें आप दे सकते हैं, बेबी को भी, सॉरी बेबी को नहीं लेना है, मम्मा को देना है, मम्मा में से बेबी को मिलेगा तो आप ले सकते हो। और एक बात ध्यान रखनी है कि वो जो है वैसे भी ले सकते हैं, ऐसे जो उसका चूर्ण मिलता है बाजार में कभी गांधी की दुकान में आपको मिल जाएगा, आयुर्वेदिक स्टोर पर से मिल जाएगा, मगर उस वो जो आप प्योर फॉर्म में लेने जाओगे तो शायद आपको कड़वा लगेगा, तो उसके ग्रेन्यूल्स भी बाजार में अवेलेबल है। ओके, तो हिमालया कंपनी की भी एक ड्रग आती है, और बहुत सारी जो अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी में से ही लेना है, वैसे नहीं लेनी है ऐसे वैसे ड्रग, तो स्टैंडर्ड कंपनी की लो, या फिर सतावरी चूर्ण प्योर फॉर्म में ले सकते हैं आप। एक दूसरा आता है सतावरेक्स करके, सतारी करके, सतावरी करके, अलग अलग ग्रेन्यूल्स रहते हैं बाजार में अवेलेबल है, वो आप ट्राई कर सकते हो, और वो पहले ही दिन आप लग आपकी जब थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तभी आप घर पर लाकर वो रख दो, और फिर आपके जो हॉस्पिटल बैग है ना वो जब आप कैरी करने वाले हो उसमें ही रख दो। ओके, जब बेबी आ जाए उसको चालू करा दिया, उसके साथ साथ आप एक एक टेबल स्पून लेना चालू कर दो, वो ऐसे तो दूध के अंदर लेना है मगर
दूध के अंदर नहीं लेना है, तब शायद आपको हॉस्पिटल में दूध ना मिले, टी मिलती मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे ही ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसा जो आपने ग्रेन्यूल्स ली है, तो ग्रेन्यूल्स लेते हो तो फिर अच्छे से वो टेस्ट में बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि उसमें शुगर ऐड है। मैं तो आपको ऐसा बोल रही हूँ कि वो जो पाउडर रहता है ना, वो घर पर लाओ और उसमें चीनी चीनी नहीं शक्कर मिलाकर एक पाउडर बना दो और वो ही अपने हॉस्पिटल में ले जाओ। मगर ये सब आपको नहीं करना, बाजार में अवेलेबल है, ला दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आगे जाते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खाने से ब्रेस्ट फीडिंग बचने वाली है। तो घर की चीजों की बात कर रही हूँ कि तो बेबी आ जाता है उसके पहले से आपको प्रिपरेशन करनी है, सातवें महीने से हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग बनना जो पूरी प्रोसेस है ना, कम से कम पांच से छठे महीने के अंदर जब प्रेग्नेंट होते हैं ना लेडी, तब से चालू हो जाता है बनने की प्रोसेस जो होती है, पूरा जो लैक्टेशन की जो सिस्टम है वो पांच या छठे महीने के अंदर चालू हो जाता है, ओके। तो फिर उससे उस वक्त हम उसको क्यों कुछ भी स्टिमुलेट नहीं करने वाले, मगर सातवें महीने में से बहुत से हमारे वडिलों ने बोला है कि मेथी के लड्डू खाने हैं, तो उनकी बात बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसमें यूज करा है। तो कैसे करना है कि सातवां महीना आपका पतने वाला है, खत्म होने वाला है, 15 दिन चले गए, उसके बाद आप क्या करना है, आपको एक मेथी के लड्डू बनाना है। मेथी के लड्डू के अंदर आपको कैसे उसका पोर्शन कैसे रखना है वो आपको जानना चाहिए। जो 100% एक लड्डू है उसको बोलेगा 100% लड्डू है, तो 100% लड्डू के अंदर 50% सिर्फ 50% हमको मेथी रखनी, मेथी के दाने का जो पाउडर होता है वो रखना है। उसके अलावा का जो 50% है वो आप बहुत बढ़िया बढ़िया नट्स ले लीजिए, जो भी आपको आपके फेवरेट हो, अखरोट है या फिर बादाम है या काजू है या फिर पिस्ता है, वो सब में चीजें पहले से नहीं अलाउ करते, मगर सातवें महीने के बाद 15 डेज के बाद मैं भी अलाउ करती सबको, तो मेरे पेशेंट को, तो आपको भी वो 50% करके वो बनाना है मेथी का लड्डू, और उसमें गुड़ इस्तेमाल करना है, ओके, गुड़ लग लेना है। वो गुड़ भी कौन सा वाला, देसी गुड़, वो एकदम से वाइट वाइट आता है चमकीला, एकदम से देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो नहीं, जो बहुत ही देखने में ऐसा लगे कैसा कलर है इसका, और खाने में जब खाते हो ना तो वो बहुत बढ़िया लगता है, एकदम से मुंह में जाकर पिघल जाता है, वैसे भी पिघला हुआ ही रहता है वो, तो वो गुड़ हमें यूज करना है, वो जो आता है एकदम से बढ़िया आकार में वो नहीं लेना है, गुड़ लेना है, वो भी देसी गुड़, ओके, उसमें बनाना है। और मेरी जो सारी प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनको तो मैं बोलती हूँ, मगर आप सबको मैं बोल रही हूँ कि आपको उसमें जो घी लगेगा ना वो गाय का घी लेना है, ओके, गाय का घी लेना है, तो उसे मेथी जो है उसमें एक ऐसे कंटेंट ऐसे केमिकल्स है जो हमारे हार्मोन को, जो ये ब्रेस्ट फीडिंग बनाने वाले हैं उस हार्मोन को स्टिम्युलेट करते हैं, और उससे क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से बनने में उसको हेल्प रहती है। फिर उसके बाद जो मेथी के लड्डू हो गए हैं वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने वाले हैं, मगर आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप वो ही मेथी के लड्डू खा सकते हैं, मेथी की भाजी खा सकते हैं, और उसके साथ बाजरे की जो रोटी है वो खा सकते हैं, और उसके साथ आप सुआ दाना जो आता है ना, वो सुआ दाना उसका काढ़ा बनाकर पियो। पहले ही दिन जब आपका डिलीवरी होती है उस दिन हमारे जो वडील थे वो तो हमको देते ही, आपको पता है, मगर अभी की जो मॉडर्न युवतियाँ है, मॉडर्न लेडीज है, वो ये सब बहुत ही कम पसंद करती है लेने में, मगर प्लीज ट्रस्ट मी, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए और आपके बेबी के लिए, ओके। तो आपको ये लेना ही है, ऐसे नहीं करना कि आपको आपकी सासू या फिर मम्मा आपको देकर के आपने सिंक में डाल दिया, ऐसा मत करना। कभी कभी मैंने देखा है, बहुत सी मेरी जो फ्रेंड्स थी मैंने उनसे सुना था कि
कि उनके जो पेशेंट्स थे वो ऐसा करते कि मेरी वो तो ले नहीं रही है, वो दे रहे और उसको लेना नहीं, तो ऐसे कर दे, मगर ऐसा मत करना, पी जाना वो आपके लिए, और ये जो आप नहीं करोगे उसके लिए मैं एक रीजन दे रही हूँ, क्योंकि वो आप करोगे ना, वो आप पी जाओगे ना वो सुवदना वाला पानी, तो उससे क्या होगा, वो गरम गरम पीना होता है, तो उससे क्या होगा कि जो उस वक्त रक्त स्राव हो रहा होता है ना, वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा, जो अपना जो गर्भाशय है वो मूल स्थिति में आने में आ रहा होता है धीरे धीरे से, तो उसमें उसको सहायता मिलेगी, और जो वेट लॉस का जो हमारा एक पर्पस रहता है कि अभी बेबी बाहर तो हम वेट लॉस करने के लिए तैयार हो गए, तो वो जो आपका रहेगा वो धीरे धीरे से आपको हेल्प मिलते जाएगी, तो सुवादाना का पानी तो आपको पीना ही है। दूसरा काढ़ा, सुवादाना का काढ़ा बनाकर पीना है गरम गरम सुबह सुबह, ओके, पहली आपकी डाइट में वही फूड वही होना चाहिए। दूसरी बात, सुवादाना कोकोनट उसको छील लो, कोकोनट को छील लो, तिल ले लो, खसखस, ओके, और एक बहुत ही बढ़िया है अजवाइन, ये सब कुछ मिलाकर, तिल भी ले लो, वो सब कुछ मिलाकर अपने हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर, वो सारी ममाज बना ही देती है अपने बेबी, जो प्रेग्नेंट बेबी है, माँ डॉटर है उनके लिए, तो वो बनाकर रखे, मगर नहीं बना रहे तो आप उनको बोलो कि ऐसे ऐसा उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दे, तो क्या डालना है, एक सुवादाना आपको, दूसरा तिल के दाने, फिर अजवाइन और खसखस के दाने, और वो जो कोकोनट है उसको, सूखा कोपरा उसको बोलते हैं, उसको छीन कर उसमें डाल देना है, फिर उसको सेंधा नमक में भी और नींबू निचोड़कर एकदम अच्छे से मुखवास बना दो। इस मुखवास को दिन में कई बार लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार लेना है, दो बार लेना है, तीन बार लेना है, चार बार लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दिन में जितनी बार चाहो इतनी बार आप ले सकते, अपने हिसाब से, अपने वो टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी बना दो तो जिसके कारण आप बहुत ज्यादा प्रमाण में वो खाओ, ओके। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी सब्जियां है जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा खाओ, ओके। दूध और दूध की जो आइटम्स है वो आपको ज्यादा खाना, हाँ चीज नहीं खाना, वो दूध की चीज है, दूध की बनी हुई है, मगर वो नहीं खाना है। और मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनको पता ही होगा, मैंने उनको 3 महीने तक कम से कम छाछ और दही के लिए मना करा है, 3 महीने, वो ये ब्रेस्ट फीडिंग के कारण नहीं, उनको जो स्टिचेस है या फिर जो पेन है उसके लिए आयुर्वेद ही मना करता है, अम्ल रस मना है पेन के अंदर, ओके, तो इस कारण मैं मना करती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग के कारण मैं छाछ और दही कर्ड नहीं मना करती, मगर आपको कभी कभी खाना है, कभी कभी महीने के अंदर 1-2 बार तो आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ओके। अभी और क्या ले सकते हो, जैसे सारे के सारे भेजे जो पन्ने वाली चीजें हैं, पालक की हो गई या फिर मेथी की भाजी हो गई या तंदलजी की भाजी हो गई, बहुत सारी भाजी रहती है, उसमें से जो भी अच्छा लगे दिन में एक बार वो खाना है। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के पास हम जाते हैं कि बेबी को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उसके बाद बर्पिंग कराना है क्या जरूरी है, हर बार कराना जरूरी है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं देना चाहती हूँ कि हाँ हर बार करानी जरूरी है बर्पिंग, मगर हर बार बर्फ निकलना जरूरी नहीं है, जैसे बेबी को बुरकार आ जाए हर बारी वो जरूरी नहीं है, मगर उसको हर बारी उसको बर्पिंग कराना बहुत जरूरी है, ओके। बर्पिंग कराने के लिए क्या करोगे, एक अच्छा सा टॉवल रखना है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अपने कंधे पर रख दीजिए, और बेबी को अपने कंधे पर खिलाने के बाद उसको ऐसे रखो और उसको ऊपर की ओर हाथ को उसको सहलाओ, उसको आप ऐसा कोई कर सकते, ऐसे मार भी सकते, ऐसे ऐसे बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे से ऐसे ऐसे
टिपटिपाकर उसको मार भी सकते हैं, और दूसरा आप ऊपर की ओर उसको सहला भी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका जो खाते वक्त बिना वजह का जो गैस अंदर हवा गई है वो निकल कर बाहर आ जाएगी। तो उससे क्या फायदा होगा आपको कि बेबी को जो बाद में खाना खाने के बाद जो गैस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ये जो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहता है सारे छोटे बच्चे के अंदर, क्योंकि उनका क्या होता है वो खाते पीते सुसु पोटी करते हैं और सो जाते हैं। ओके, यही उनका डेली रूटीन रहता है कम से कम 3 महीने के लिए, उसके बाद वो खेलना वेलना चालू करते हैं। मगर रूटीनली उनका क्या होता है, वो ज्यादा हाथ पे हिला सकते हैं, वो अपने आप से मुंह नहीं करते हैं। ओके, तो क्या रहता है कि उनका जो पाचन तंत्र है वो वैसे बिग वो जो हवाएं ज्यादा जाती है उसे उसमें वो गैस फॉर्मेशन हो जाती है और उनको बहुत दर्द होता है। तो वो ना हो इसलिए हमें उनको क्या करना है, बर्पिंग हर बारी कराना है। चाहे आपको ऐसा लगे कि मैंने बर्पिंग करा रही हूँ उसको मगर उड़का नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मगर हर बारी आपको ये ट्राई तो करना ही है बेबी को। दूसरी चीज ये जो हमारे इस प्रश्न में आया है तो बात कर ही लेते हैं कि बेबी को ज्यादा गैस हो जाती है तो क्या करना है, खाने से होता है तो ज्यादा गैस हो जाती है तो क्या करना है। तो बेबी को बर्पिंग कराने एक चीज। ओके, दूसरी चीज ये है कि बेबी को टॉमी टाइम दो, ब्रेस्ट फीडिंग के 1.5-2 घंटे के बाद, जब आप दूसरी बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले होते उसके अगले टाइम पर, उसके टाइम से पहले आपको बेबी को टमी टाइम देना है। टमी टाइम कैसे देना है बेबी को, आप कब कब से देना है वो भी समझ लीजिए। बेबी के जन्म के 2-3 दिन के अंदर अंदर आप बेबी को वो जो टमी टाइम है वो दे सकते हैं। 6 दिन के अंदर भी आप चालू कर सकते हैं, वैसे उसकी कोई समय रेखा नहीं है, मगर आप जिसको लगे कि नहीं मेरे बेबी को अभी मैं टमी टाइम देने के मैं रेडी हूँ, तब से आप चालू कर दो। ओके, टमी टाइम उसको दो, तो उससे क्या होगा कि जो उसके वो अपने पेट पर रहेगा, अपने पेट पर रहने से क्या होगा, उसके पेट पर दबाव होगा, पेट पर दबाव होने से क्या होगा, जो गैस बनी है जो एक्स्ट्रा जो ज्यादा गैस बनी है तो वो निकल जाए मुंह में से या फिर नीचे से कोई एक अंग में से वो निकल जाएगी। तो टमी टाइम देना है सिर्फ 5-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे तो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं खानी है कि जिससे आपको गैस हो जाए। ओके, आपको गैस हो जाती है तो बेबी को भी गैस हो जाएगी, आपको कब्ज है तो बेबी को भी कब्ज हो जाएगा, आपको कुछ भी हो रहा है तो बेबी को वैसे पाचन तंत्र के रिलेटेड है वो ही, दूसरा सब नहीं। जैसे आपको बुखार आया, आपको सर्दी हो गई तो बेबी को हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको गैस रहती है तो बेबी को हो सकता है। ओके, वो जो पाचन तंत्र रिलेटेड जो भी डिसीज है वो ही बोल रही हूँ और नहीं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वायुवर्धक चीजें नहीं खानी। वायुवर्धक कौन सी वाली, मेहंदी की कोई चीज आपको नहीं खानी है, आपको चाइनीज चीजें नहीं खानी। चाइनीज तो ऐसे ही बैन हो गया है हमारे देश के अंदर, मगर आपके और से भी खाने में भी हम बाहर से भी तो नहीं ला रहे, कोरोना फेस चल रहा है, मगर घर पर भी कोई ऐसे केमिकल्स के जो होते हैं ना वो उसके सोर्सेज रहते हैं उसमें सब ऐसे ही देता है केमिकल्स युक्त, तो वो सब नहीं खाना है आपको, जिसमें कलर हो या स्मेल हो या फिर फ्लेवर ऐड करा हुआ, ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। ओके, ज्यादा ऑनियन और गार्लिक, वो उस पर भी क्या होता है कि ज्यादा ऑनियन और गार्लिक आप खाते हो ना तो उसका जो स्मेल, उसका जो टेस्ट है वो फीडिंग में जाता है, तो बेबी को कभी कभी पसंद नहीं आता, वो उसकी तीव्र स्मेल रहती है ना, शार्प स्मेल रहती है, तो बेबी को पसंद नहीं आता, तो फिर फीडिंग भी कम करता है, फीडिंग कम करेगा तो पता ही क्या होने वाला है। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको गार्लिक और ऑनियन बहुत ही कम मात्रा में खानी है। ओके, दूसरी चीज है कि आपको बासी चीजें नहीं खानी है, तो बासी चीज तो आप लोग खाते नहीं होंगे, मगर मुझे पता है आप में से कई लेडीज
दोपहर का बचा हुआ जो आटा है वो फ्रिज में रख दिया और रात को उसकी रोटी बना दी, रात को बच गया तो सुबह बना दी। कभी कभी तो मुझे सुनने में आया है कि लोग एक वीक का आटा बनाकर गूंद कर अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देते हैं परोठे के लिए, और सुबह सुबह गरम गरम परोठे खाते हैं। वो तो कभी बासी खाते नहीं ऐसे बोलते हैं ना, मगर ये सब बासी ही है। आपने 12 बजे 10 बजे खाना बनाया है तो 12 या फिर 1:30 बजे तक वो खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद वो बासी हो जाएगा। हाँ, रोटी ऐसी चीज़ है कि आपने दोपहर को बनाई थी तो शाम को वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से केमिकली रिएक्शन आते हैं ना, तो वो बढ़िया है। क्योंकि हम रोटी को गर्म नहीं करते, दोबारा रोटी को गर्म नहीं करते, मतलब सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, सबको हम गर्म कर कर खाते हैं। और जब दूसरी बार वो गर्म होता है, बासी हो जाने के बाद गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा बिगड़ जाता है, व्यंजन बोलते हैं उसको, तो वो ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो वैसा नहीं करना है। ओके, दूसरी मैंने एक चीज बोली कि क्या ये जो नहीं खाने वाली है वो चीजों में एक और चीज है जो वायुवर्धक चीज मैंने बोली, वो क्या कौन से और कौन सी है, तो जो बड़े दाने वाले बीन्स रहते हैं जैसे राजमा, छोले, वाल के दाने जो होते हैं वो सब, मटर के दाने हैं वो सब आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो वायुवर्धक है और आपको तो प्रॉब्लम करेगी करेगी, बेबी को भी प्रॉब्लम करेगी। और दूसरा है टिंडे जो आते हैं, हम बोलते हैं ना टिंडो टिंडोड़ा, वो टिंडे जो होते हैं ना वो आपको नहीं खाना। तीसरी जो है गवार, गुवार सिंह जो बोलते हैं ना वो आपको नहीं खानी। गुवार सिंह बहुत ज़्यादा वायुवर्धक रहता है तो उससे भी वायु बढ़ता है, तो वो भी नहीं खानी। और ऐसा कुछ आप खा रहे हो और आपको पता नहीं है तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, जैसे मैंने आप आगे भी बताया था। और अब आगे हम आगे जा रहे हैं कि बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सी चीज़ें बाजार में अवेलेबल है जो आपको परचेस करनी है। और ऐसी नहीं है मुझे सिर्फ कोई फायदा नहीं, मैंने वो जो डीलर्स है उनके उनके साथ कोई डील नहीं करी, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे जो मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग जो फेस को बहुत ही ब्यूटीफुल जिसने बनाया है उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो पहले उसमें मैं पहला नाम बोलूंगी तो उसको बोलते हैं पहला और मेरा फेवरेट, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था नर्सिंग पिलो। ओके, तो नर्सिंग पिलो बहुत ही बढ़िया, एक तकिया बोल सकते हैं उसको, तकिया आता है वैसे राउंड शेप में। मैं यहाँ एक लिंक शेयर करूँगी, उस पर आपको देख लेना, फिर वो आपको वहाँ से मंगाना है, आपके कोई है जो ये रखते हैं उनके पास से मंगवाना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर मंगवा देना आप। मॉम्स और टू बी मॉम्स दोनों को बोल रही हूँ, ये जो नर्सिंग पिलो है वो बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, वो आपको रखनी है। ओके, उससे क्या होगा कि जो हम जो हमारे बेबी को फीडिंग कराने का जो पोस्चर होता है ना वैसे ऐसे करके होता है, तो उससे क्या होगा गर्दन में पेन हो जाता है, फिर बैक में पेन हो जाता है, फिर हम हाथ में पेन हो जाता है, बहुत सारे पेन हो जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए आपको ये नर्सिंग पिल्लो परचेस करना है और करना है। ये नर्सिंग पिल्लो सिर्फ आपको ब्रेस्ट फीडिंग में काम आने वाला है ऐसा नहीं है, वो बहुत सी चीजें जैसे बेबी जब बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं, बेबी को जब बिठाने की तैयारी करते हैं हम तीसरे चौथे महीने के अंदर, तब उसको ऐसे बैठा सकते हैं, उस फिर वो चौथे पांचवे महीने के अंदर वो अच्छे से बैठ पा रहा है तो उसको सपोर्ट के लिए काम आ जाएगा। फिर उसके तो बहुत सारे फायदे, अभी तो बहुत बड़ा उसका एक लेक्चर हो जाएगा, मगर जो मुझे बहुत ही ऐसा मुझे लग रहा है कि वो ना होता तो बहुत ही क्रिटिकल होके होती मेरी वो सिचुएशन, तो इसीलिए बता रहे हैं कि नर्सिंग पिल्लो तो मस्ट है, चाहिए ही चाहिए मॉम्स और टू बी मॉम्स का। ओके, तो जो टू बी मॉम्स है राइट डाउन जस्ट नाउ कि आपको नर्सिंग पिल्लो तो चाहिए। ओके, किसी को भी को कह दो कि तुझे मुझे गिफ्ट करना है ना, तो मेरे बेबी को भी गिफ्ट करना है तो ये कर दे। ओके, दूसरी चीज है
हाँ, और उसका एक फायदा है कि आप कभी भी किसी भी जगह पर ट्रैवलिंग में जा रहे हो, अपनी कार में जाओगे, अभी तो 6 महीने के लिए तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करोगे, तो कार में जा रहे हो तो अच्छे से वो अपने गोदी में रख दो उसको, और उस पर बेबी को सुला दो, तो अच्छे से जो हमारे जो रोड है वो पता ही है, रोड कम है, गड्ढे ज्यादा है, तो बेबी को जो जर्क लगना चाहिए वो कोई भी जर्क नहीं लगेगा, अच्छे से बेबी अपनी नींद में सोता सोता आपके साथ ट्रैवलिंग कर सकता है। ओके, और उसके बाद अभी दूसरी चीज है जो बहुत ही बढ़िया है, मैजिकल चीज है, उसको बोलते हैं नर्सिंग कवर। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा नर्सिंग कवर। नर्सिंग कवर एक ऐसी चीज है कि जिसे आजकल की जो मॉडर्न लेडीज रहती है, वुमेन्स है, वो आजकल वुमेन है वो आजकल जो साड़ी नहीं पहनती तो उनका पल्ला नहीं है। तो पहले की लेडीज क्या करती थी कि अपने जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त अपने बेबी को अपने पल्लों से ढक देती थी। अभी तो लोग जीन्स पहन रहे, कुर्तीज पहन रहे, कुर्ता जैसे वो बोलते हैं सलवार जो उसके दुपट्टे नहीं होते, होते तो बहुत छोटे होते या फिर ट्रांसपेरेंट होते, तो कोई काम का नहीं है ना। तो उसके लिए जो मैं भी उसमें से ही हूँ एक लेडी, कि जो ड्रेस में दुपट्टा ऐसा ही होता है या फिर जीन्स और वैसे ही चीजें पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वो मैनेज नहीं हो पाता है। मम्मा कैसे हमें अपने साड़ी के पल्लू से ढांक कर खिलाते थे, वैसे अभी पॉसिबल नहीं है। हर हर वक्त पॉसिबल है, आप घर पर रहे हो तो फिर चलेगा, मगर आप बाहर गए हो, कोई फंक्शन में गए हो, तो अपने बेबी को ऐसे दुपट्टे में वो अच्छा नहीं लगता। तो एक अच्छा सा एक आता है नर्सिंग कवर, तो नर्सिंग कवर में वो आपको पहन लेना, वो बड़ा ही स्टाइलिश होता है, वो बहुत ही अलग अलग रंगों में भी अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या ओढ़ कर करा रहे हैं, और बहुत स्ट्रेचेबल रहता है, तो आप जब भी अपने बेबी को जब जितना बड़ा हो रहा है वो ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं वो। और एक बढ़िया चीज है कि वैसे वो एकदम से नीचे से खुला होता है ना, तो आप अपने बेबी के साथ कडल कर सकते हैं उसको, हाथों को हाथ में लेकर उसको अपने होठों से किस कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप जैसे कोई नहीं होता तो जब कर सकते हैं, वैसे ही चीजें आप उस वक्त पर कर सकते हैं सबके सामने, और सबको पता भी नहीं चलेगा, और बेबी ऐसे घबरा, आपने जैसे पूरा दुपट्टा उड़ा दिया है बेबी को घबरा जाएगा, तो वैसे कुछ नहीं होना कि ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, सिर्फ बेबी और वो पार्ट्स जो सबको नहीं दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देगा। ओके, और दूसरी उसके उससे क्या फायदा, वो जो नर्सिंग कवर है वो भी आपके स्ट्रॉलर में भी काम आ जाएगा। तो मैं जो जो भी चीजें बता रही हूँ एक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही सिर्फ नहीं यूज होने वाली, आपको आगे भी काम आने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया मेरा तो वो खर्चा आपको आगे भी काम हो आने वाला है, तो ये मस्ट चीज है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है कपड़े, आपके कपड़े। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जो टू बी मॉम्स है उनको यही सजेस्ट करूंगी, अभी जो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गए हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गए हो, तो अभी आप और बाहर से कपड़े परचेस कर रहे हो, तो वो आप पहले से ही नर्सिंग क्लोथ्स परचेस करो। नर्सिंग कुर्तीज आती है वो ट्रेडिशनल भी आती है और जीन्स पर पहन सके वैसे भी आती है, आपको जैसा आप जैसा पहनते हो वैसा आप खरीद सकते हो, और सबसे बढ़िया वो बहुत ही महंगा रहता है, तो आप अपने जो स्टाइलर है उनके पास जाकर वो अपने हिसाब से सिलाई में भी दे सकते हो। ओके, तो उसकी भी मैं लिंक आपको शेयर करूंगी, वो आप देख लेना, फिर वहां से मंगवाना है सिलाना है वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं, मगर करना है, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि ये सब क्यों, हमारी मदर थी, हमारे जो वडिल थे वो तो ऐसे कुछ पहनते नहीं, वो तो क्या पहनते थे, ट्रेडिशनल वेयर पहनते ना वो, एकदम अच्छे से साड़ी बाड़ी एकदम अच्छे से पहनते थे, अभी हम क्या पहनते, कुर्तीज पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, तो उसमें ऐसे फ्रंट ओपन नहीं होता ना,
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अभी आप परचेस करने ही वाले हो ना थर्ड ट्राइमेस्टर में। आपका वजन बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है अभी तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, अच्छा बढ़ेगा तो उस वक्त आप उस हिसाब के कपड़े ले लोगे तो आपको बाद में भी यूजफुल रहेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल आते हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे बहुत ही खराब दिखने वाले ऐसे नहीं आते, वो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं। तो आप देख लेना, ये लिंक मैंने आपको शेयर करी ही है। मगर इससे क्या फायदा होगा कि जब आप ड्रेस पहनते हैं या फिर कुर्ती पहनते हैं तो सब लेडीज है ना, वो बहुत ही वियर, बोलने में वियर लग रहा है मगर करते हैं, सब लोग करते हैं कि बेबी को फीडिंग कराते वक्त तो थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा कर देते फिर कराते हैं। तो क्या होता है, बेबी भी अंदर अच्छे से नहीं फिट कर रहा है, कैसे कर रहा है हमें दिखाई भी नहीं देता। तो ये जो चीज़ है बहुत ही मुझे नहीं अच्छी लग रही, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो नर्सिंग कपड़े कुर्तीज होती है, टी शर्ट रहती है, वो खरीदनी है। वो क्या होता है, उसमें जीब्स होती है, ओके। तो उसमें क्या होता है, जो जीब्स रहती है तो उससे बेबी अच्छे से, वो खोल दो तो बेबी अच्छे से वही पार्ट अपने बेबी को खुले आना है, तो वो नर्सिंग कवर से एकदम से कवर भी हो जाते हैं। बाहर जाते हुए ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहन गए तो वो कवर भी हो जाता है और कोई आपको बेबी को कभी भी श्वास की कोई प्रॉब्लम, उस टाइम जो श्वास रुंध जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो घबरा जाता है एकदम से, क्या हो गया मैं अंदर, एकदम से बाहर आवाज आ रही है, और अंदर वो खाना भी अच्छे से नहीं खाएगा। मगर आप अच्छे से ऐसे खिलाओगे, ऐसे कपड़े पहनोगे तो आपको अपनी जो डेली लाइफ है ना उसमें से आप कैसा, ये क्या होता है कि बड़ी फैमिली होती है ना तो क्या होता है कि ऐसे बेबी को फीडिंग कराना है बारी बारी से, तो आपको अलग रूम में जाना पड़ता है, फिर खिलाना है, अलग रूम में जाना है, फिर खिलाना। मगर देखिए, आपके पास पिल्लो होगा, फिर आपके पास कवर होगा, ये नर्सिंग कवर, और तीसरा आपके पास ऐसे नर्सिंग कपड़े रहेंगे तो आप किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी जगह पर अपने बेबी को फीड करा सकते, कोई भी शर्म के बगैर। कोई भी ऐसा नहीं होता घील के मारे कि यहाँ सब है, मैं कैसे कराऊँ, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, ऐसी कोई गिल्ट आपको नहीं आएगी। और नहीं गिल्ट होने के कारण आप बहुत ही खुश रहेंगे और खुश रहने से भी ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और बेबी में भी गुड फील हॉर्मोन्स आपसे ट्रांसफर होते रहते हैं, ओके। तो ये हो गई कपड़े की। ऐसे ब्रा भी, ऐसी नर्सिंग ब्रा भी ऐसी मिलती है जो आपको परचेस करनी है। और हाँ, ये बहुत ही लोग कम बात करते हैं ऐसी, और क्योंकि शर्म ज़्यादा रहती है ना हमारे इंडिया में। तो अभी क्या है कि लोग हमारे जो ऐसे न्यू मॉम्स रहती है उनको पता नहीं कि ब्रा पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, कैसी ब्रा पहननी चाहिए। तो नर्सिंग ब्रा करके आप सर्च कर लेना, बहुत सारी वैरायटी में आती है, तो वो आप परचेस कर देना। तो वो है ना, पहले शायद आप ना पहने एक दो दिन, उसके बाद आपको पहनना ही है, जिससे क्या होगा कि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करने से जो ब्रेस्ट का जो साइज शेप बदल जाता है वो मेंटेन होगा और आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा पाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेबी का खाने का टाइम होगा तो ऐसे ब्रेस्ट एकदम से हैवी हो जाते हैं, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, ओके। तो वो भी आपको परचेस करना है। और ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली है इसमें से आपको ऐसे लगे, हाँ एक और चीज़ उसको बोलते हैं ब्रेश पंप, ओके। तो ब्रेश पंप आप अच्छे से ब्रेश फीडिंग कराओगे तो आपको शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मगर कभी कभी क्या हो जाता है कि इमरजेंसी में आपको किसी भी वक्त बाहर जाना हो जाता है और बेबी को कैसे खाना खिलाया गया, तो इससे क्या होगा कि बाहर का खाना कुछ पानी दे देते हैं या फिर गाय का दूध, बकरी का दूध दे देते हैं, तो वैसी सिचुएशन ना आए इसलिए आपको क्या करना है, वो ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट पंप आता है उससे वो आपको निकाल देना है फीडिंग थोड़ा सा और बेबी को उस टाइम देना है, ओके। सीजन में भी ऐसा होता है कि मम्मा अभी थोड़े से कॉन्शियस में नहीं रहती थोड़ी थोड़ी, और उनको ज़्यादा पेन है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है,
जनरल एनेस्थीसिया वाले मॉम्स की बात करें तो प्रॉब्लम हो जाता है तो उस वक्त आपको ब्रेस्ट पंप बहुत काम आएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में ही परचेज कर देनी है, जिससे आप तुरंत आपकी हॉस्पिटल जो बैग रहती है ना, जो कैरी बैग, वो उसमें आप भरकर ही ले जाना। ऐसा नहीं है कि घर पर आकर, क्योंकि अभी कम से कम आप नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कम से कम दो दिन तो रखते ही, एक दो दिन रखते हैं। अभी कोरोना फेज चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं तो ज़्यादा दिन भी रहना पड़ता है, सब पड़ सकता है, या फिर वो तो कम से कम एक दो दिन तो रखने वाले, और सीजर है तो फिर 5 डेज के लिए या फिर सेवन डेज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 7 डेज के लिए रखेंगे, 5 to 7 डेज। ओके, तो अभी उस वक्त आप दूसरी कोई चीज़ें यूज़ करें उससे अच्छा है कि आप वो ही चीज़ें अच्छे से यूज़ करें। ओके, फिर भी पहले भी करने वाले हैं, फिर भी करने वाले तो पहले से क्यों ना करें। ओके, तो वो भी आपको, आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे, बेबी भी हैबिचुअल हो जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़, अभी जो शुरुआत के दिन होते हैं ना, तो मम्मा को क्या करना चाहिए कि बेबी एकदम से खुश हो गए फिर ब्रेस्ट फीडिंग करें। तो मम्मा को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मम्मा ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तभी एकदम से अच्छा वाला म्यूज़िक, एकदम से अच्छा वाला म्यूज़िक कौन कौन कहाँ से आएंगे। तो यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे बंसरी की धुन है या वीणा की धुन है या फिर बहुत हारमोनियम की होती है, तबले की होती है, वो जो इंस्ट्रूमेंटल जो ध्वनि है वो आपको बेबी को सुनाना है। कब? बेबी को जब आप फीडिंग करा रहे, पूरे दिन ऐसा नहीं करना है, मगर एक दो बार तो ऐसा करो, दिन में एक दो बार, तीन बार, चार बार तो करो कि बेबी को वो अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और अच्छी धुनें सुन रहा है, तो कितना मजा आएगा उसको भी। और दूसरी बात, अभी हॉस्पिटल में आप हो और उस वक्त आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा कि मस्ट आइटम्स फॉर बेबी, तो वो जो वीडियो है और जो हॉस्पिटल बैग वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बोला है कल एकदम से छोटी एक बॉटल लेकर जानी है अत्तर की, या फिर आपको आपके पास एसेंशियल्स ऑयल है उनकी, उसकी बॉटल आपको रखनी जो पास में। तो क्या होता है हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी एक स्मेल होती है, तो वो आपके बेबी तक ना पहुँचे, पहुँचने वाली है मगर थोड़ी कम पहुँचे उससे, और उससे बढ़िया एक चीज़ पहुँचे, एक स्मेल जो पहुँचे। इसलिए आपको क्या करना है कि बेबी आपके बॉडी पर, बेबी के नहीं, आपके कपड़े पर, आपके थोड़े से कान के पीछे, गर्दन के पीछे वो ऑयल्स लगाकर रखना है। जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, जब आप उसको हग करेगी, किसेस करेंगे, तब बेबी को वो स्मेल आएगी और बेबी खुश हो जाएगा। अब वो पता नहीं चलेगा कि खुश, कभी कभी पता चला स्मेल आती है तो स्माइल देता है बेबी। तो आपको ये भी करना है। दूसरी चीज़, आपको बेबी को जब भी आप बेबी को फीडिंग करा रहे हैं, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आप कभी भी रो रही हो, कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, तीन चीज़ें जब हो रही हो ना, तब बेबी को कभी भी फीडिंग कराना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि हम बेबी को जो भी कुछ दे रहे सब कुछ उसको केमिकल्स थ्रू मिल रहा है। ओके, तो वो चीज़ भी बेबी को वैसे ही मिलेगी जैसे आप बेबी को दे रहे हैं, जैसे आप गुस्से में दे रहे तो वो केमिकल्स, गुस्सा केमिकल्स थ्रू बेबी में जाएगा। आप रो रही हो तो जो पेन है वो केमिकल्स थ्रू बेबी में जाएगा। आप गुस्सा, आप वैसे बहुत स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस केमिकल्स थ्रू बेबी के अंदर जाएगा। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, ये आ गया कि कब नहीं करना, मैंने बोला था कब नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता, मगर है ऐसी तीन चीज़ें जो होती हैं तभी नहीं कराना चाहिए। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बेबी को अभी ये नहीं, वो हो तो नहीं कराना चाहिए, वो हो तो नहीं कराना, बल्कि ऐसा है कि आप जब बेबी को वैक्सीन देते हैं उस वक्त इतना बेबी को फीड कराओ, इतना बेबी को फीड कराओ कि बेबी को पता ही नहीं चले कि वो भूखा है, वो इतना सोता रहेगा, इतना सोता रहेगा कि जो इतना खाएगा और सोता रहेगा तो उसको बहुत कम पेन फील होगा। वो जब फीवर आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तब भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराओ,
तो उससे क्या होगा, बेबी अपने जो नए आए प्रॉब्लम के, बोला है पहले ही बोला था कि माँ का दूध पिया तो सामने आ जाए, तो हर एक प्रॉब्लम को वो अच्छे से फाइट कर पाएगा और अच्छे से पार कर जाएगा हर एक प्रॉब्लम को। तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं कि एक चीज है कि जो आपको अपने ब्रेस्ट फीडिंग के पूरे फेस के अंदर बहुत ज्यादा लेनी है, वो क्या है? मैंने पहले ही बताया था, घी। घी एक ऐसी चीज है कि आपको सबसे ज्यादा लेनी है। घी बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेनी है, वो जितना लोगे उतना बेबी अच्छे से फीड करेगा और अच्छे से सोएगा। ओके, और ये जो मैंने पानी पिया है, वैसे हर बारी जब भी आप अपने बेबी को फीड कराने वाले उसके आधे घंटे के पहले, शायद आपको नहीं पता कि अभी बेबी उठने वाला आधा घंटा है, तब नहीं करा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप बेबी को फीड कराने वाले हो तो आपके पास ही एक बॉटल रखनी है और उसमें पानी रखना है, ऐसे पी लेना है। ऐसे करके मैंने दोबारा भी पानी पी लिया क्योंकि एक घंटा हो गया है। तो अभी पानी पीना मस्ट है, जितना पानी ज्यादा पियोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट फीडिंग जो फीडिंग है ना, उसमें 88% तो सिर्फ वो वाटर ही है, पानी ही है इसमें। तो अभी नहीं पीने वाली बता रही हूँ, और वो जो है ना पानी ही रहेगा, तो बेबी को एक्स्ट्रा पानी की भी जरूरत नहीं रहेगी। माने 6 महीने तक उसको कुछ भी और देना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं देना, मीन्स कुछ भी नहीं देना बेबी को कितने महीने तक, 6 महीने तक। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे करके फ्लूड पर, फिर सेमी फ्लूड पर, फिर सॉलिड पर, आप सेमी सॉलिड पर और सॉलिड पर लेकर जाना है बेबी को, और धीरे धीरे कर बेबी को ये फीडिंग छुड़ाना है। मगर छुड़ाने के वक्त ऐसे जल्दी उसके रश में नहीं रहना कि चलो अभी मुझे छुड़ाना है, मैं अभी नहीं देना चाहती। आप ऐसा करोगे तो आपके हॉर्मोन्स ही ऐसा करेंगे कि बेबी को फीडिंग देने के लिए बनाना ही बंद कर देंगे। ओके, ऐसा होता है, रियल में होता है, कोई ऐसा अपवाद रहता है कि जिसमें नहीं होता, कि मम्मा फीड कराना नहीं चाहती तभी बेबी को फीडिंग नहीं मिल पाता। ओके, तो ऐसा मत करिए, आपकी बच्ची को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 6 महीने के बाद तुरंत बंद मत करिए, कम से कम एक साल तक से लेकर बेबी जब 15 महीने का हो जाए, 15 या 16 महीने का हो जाए, उसके बाद आप बंद करिए। ओके, ये जो स्टार्टिंग है बंद कराने का, जो स्टार्टिंग हो तो 6 महीने से स्टार्ट हो जाएगा, मगर उसको तुरंत मत बंद कराइए, धीरे धीरे से उसको वक्त दीजिए, वो धीरे धीरे से उसको और चीजों पर कन्वर्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे से वो फीडिंग आप छुड़ाना। इसमें बहुत जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपका फीडिंग ही है जो उसको बहुत ही मजबूत बनाने वाला है, और उसकी जो लाइफ टाइम के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टअप होने वाली, उसी वक्त ही होने वाली है। तो हाँ, और आगे अब अभी हम जाते हैं कि बहुत सी महिलाओं को ये प्रॉब्लम है कि उनके जो वडील है उन्होंने बोला हुआ है, कोई डॉक्टर भी उनको बोलते हैं कि अभी जब ब्रेस्ट फीडिंग कराना है उस वक्त अपने ब्रेस्ट को अच्छे से साफ कर लो फिर फीडिंग कराओ। ये बहुत ही गलत चीज है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं वहां थोड़े से वो ड्रॉप्स रह जाते हैं, तो वहां क्या होता है, थोड़ी सी स्मेल आती है, वो स्मेल आने की एक वजह है वहाँ बैक्टीरिया आ जाते हैं, थोड़े से बैक्टीरिया। आप बोलोगे बैक्टीरिया आ जाते हैं तो धोना ही पड़ेगा, उसको वॉश करना ही पड़ेगा, मगर नहीं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त उसके पेट में जाते, स्टमक में जाते, आँख में जाकर वो प्रोसेस करते हैं, और बेबी को अच्छे से वो जो फीडिंग है वो अच्छे से वो पचा ले, ऐसे उसको ताकत देते हैं। तो डोंट
नॉट वॉश योर ब्रेस्ट बिफोर फीडिंग, ओके, आफ्टर कर सकते हैं, बिफोर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मगर उस वक्त आपने शायद ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट की ब्यूटी के लिए आपने कोई ऑयल मसाज करा हो या फिर कुछ ऐसे कोई दवाई लगाई हो जिससे, और मॉइस्चराइजर लगाया हो तो आप वॉश कर देना, मगर वैसे ही नहीं करना हर बारी वॉश कर बेबी को बुलाओ, नहीं थोड़ा सा हमको हमको जो एक फायदा होने वाला वो नहीं होगा। तो ब्रेस्ट को वॉश नहीं करना है, बिफोर, आफ्टर कर सकते हैं, बिफोर नहीं करना है। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अभी जब भी आप फीडिंग कराने वाले हैं उसके पहले हाथ वॉश कर दो, ओके, हाथ वॉश करने हैं क्योंकि अभी कोरोना का फेस चल रहा है, इसीलिए बाकी तो हम हमारे हाथ एकदम क्लियर ही रखते हैं क्योंकि हमको बेबी को रखना है तो हम तो करते हैं, मगर अभी बहुत ज़्यादा रखना है हाथ को साफ, बारी बारी को, बारी बारी से हाथ को वॉश करते रहना है। अभी हम थोड़े से आगे जाते हैं, बेबी को जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो उस वक्त बहुत सी टिप्स मुझे आपको, बहुत सी समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स रहती, डाउट्स है, वो धीरे धीरे से मैंने अभी आपको क्लियर कराए हैं। मगर आपके ध्यान में ऐसी कोई है कि क्या बेबी को क्या कैसे कराए, किस पोजीशन में कराए, वो सारी जो बातें हैं वो सिर्फ आपको, जैसे आपको लगे कि नहीं हो रहा है हमसे, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। हाँ, ऐसे पोजीशन वाला जो एक पॉइंट था वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेबी को किस पोजीशन के अंदर फीडिंग कराना चाहिए। ये तो आप बोलोगी कि तो आसान है बैठे बैठे कराना, नहीं, आप बहुत अलग अलग तरीके से करा सकते हो। एक तो है बहुत ही बढ़िया तरीका बैठे बैठे, वो तो सब लोग कराते हैं, और उसमें मैंने बोल दिया कि पिलो यूज करना है तो कमर का दर्द नहीं होने वाला। और दूसरी चीज है सोते सोते, ओके, सोते सोते कैसे कराना है, सोते सोते आप दो तरीके से करा सकते हो, साइड बाय साइड करके खिला सकते हो, और दूसरा अपने बेबी को अपने ऊपर रखकर, जो कांगर मदर केयर हम देते हैं ना, उस वक्त उसी वक्त हम बेबी को फीड करा सकते हैं। उस टाइम आपको मैं एक बढ़िया सा, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है कांगर मदर केयर का, और ये जो कांगर मदर केयर है ना उसका तो बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, मगर हमें इसको ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक में ले रहे हैं ना, तो उस हिसाब से बात करेंगे कि बेबी को, आपको बेबी को अपने ब्रेस्ट के दोनों ब्रेस्ट के बीच में रखना है, एक अच्छे से स्मेल वाली का मोमबत्ती जला देनी है, लाइटिंग अच्छे से करनी है, और म्यूजिक साइड पर लगा देना है एकदम से बढ़िया वाला, और उसको मदर कांगारू मदर केयर के साथ साथ उसको फीडिंग कराना है। और ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा, ये मॉम्स एंड टोबी मॉम्स ध्यान से सुनना, ये आप 6 महीने तक ही कर पाओगे, उसके बाद आपका बेबी वो रहने वाला नहीं, उतर जाएगा आप पर से। तो 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस करना है तो 3 महीने तक होगा, उसके बाद धीरे धीरे से बेबी उतरने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अच्छे से नहीं करेगा। मगर एक एक जो एक घंटा जो देखिए दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, उसमें आप कितनी भी बार ऐसे करा दो, मगर सिर्फ एक घंटा अपने बेबी को कांगारू मदर केयर के दौरान, ये जो एक घंटा आप ब्रेस्ट फीडिंग उसे कराओगे ऐसे माहौल में, जैसे मैंने बताया, जैसे कैंडल लाइट करके, और वो भी स्मेल वाली, जो वो स्मेल वाली तो उसको रहने दो, स्मेल वाली होनी चाहिए, एकदम से स्मेल आनी चाहिए घर के अंदर, रूम के अंदर, और अच्छे से लाइट कर दो, पिंक या येलो या वायलेट लाइट कर दो, और उसके बाद तो एक अच्छा सा म्यूजिक कर दो, और वो एटमोसफियर के अंदर बेबी को देखते हुए, उसके साथ कडल करते हुए, उसको चूमते हुए, आपको उसका एक अच्छा सा ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ये जो बात है वो ही बताता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की ब्यूटी क्या है, वो तो आप एक्सपीरियंस करोगे तब भी आपको मालूम पड़ेगा, ओके। और अभी हम आगे जाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त
एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही ध्यान से सुनना कि आपको क्या करना है, वो नहीं करोगे तो नहीं चलने वाला। तो वो है किसिस। जब आप बेबी को ब्रीडिंग करा रहे हो तब आपको बेबी को एक चीज बहुत ही ध्यान से करनी है, वो है किस। शुरुआत भी आप किस करके करनी है, बीच-बीच में किस करनी है, हाथ पर कर दो उसको, फॉरहेड पर कर दो, उसके पैर को हाथ में लेकर कर दो, मगर किस तो है जो दवाई की डोज की जैसे है, हर 5-5 मिनट तक बेबी को देना है। दूसरी चीज है उसको हगी करनी है, कराते वक्त हगी करनी है, तो वो बहुत ही अच्छा फील करेगा, वो आप में ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स उत्पन्न करेगा जो बेबी में जाएगी और बेबी बहुत ही हैप्पी रहेगा, वो बहुत ही एकदम से चार्मिंग होता जाएगा बेबी, बहुत ही उसमें जो इम्यूनिटी बूस्टअप होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होगी और वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव और लवेबल बनेगा। ये जो मेरी अपने एक्सपीरियंस वाली चीज थी जो मैंने बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर माँ को करनी चाहिए, वो है किसिस। बहुत सारी ढेर सारी जितनी भी किसिस जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान करती हो वो अपने बेबी को इतना पावरफुल बनाएगा कि इतना लवेबल बनाएगा, इतना स्माइली फेस बनाएगा कि आप खुश हो जाओगी, आप वेरी ग्रेटफुल रहोगी मेरी करोगे आप, मगर ग्रेटफुल मेरी रहोगी क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि किसिस वो है जो मैजिकल चीज है जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप देने से करने से बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से होगा। ओके, आप बोलोगे वो कैसे होगा, वो तो हमारा पूरा जो सिस्टम है ना वो हॉर्मोन्स से है, हॉर्मोन्स अच्छे बैलेंस में तो हम अच्छे बैलेंस में है, हॉर्मोन्स गिरे पड़े उल्टे सुलटे होने लगे तो हम भी उल्टे सुलटे होने लगे। ऐसे डॉक्टर बोल रहे हो, ऐसे मदर नहीं बोल रही, ऐसे डॉक्टर बोल रहे कि हॉर्मोन्स ही है जो हमें खुश रखता है, दुखी करता है, गुस्से में कर देता है, सब कुछ है हॉर्मोनल लोचा ही है। ओके, तो चलिए हमारा ये टॉपिक हम यहाँ ही खत्म कर रहे हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी इसमें आपको क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी हो आपको लगे कि मुझे पूछना है तो पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको यहाँ आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक में है मेरा नंबर, मेरा जो क्लिनिक है उसका नाम है, उसके नीचे मेरा नंबर है, तो सब कुछ यहाँ ये अवेलेबल है, मुझे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। उससे बढ़िया आप मुझे यहाँ कमेंट में कर दीजिए, नीचे कमेंट में कर दीजिए, नीचे कमेंट में करोगे तो मुझे भी तो फायदा, आपको तो फायदा होगा ही होगा, और जो मॉम्स ये वीडियो देख रही है शेयर कर रही है, मॉम्स वीडियो शेयर करना है, बहुत बढ़िया वीडियो है और बहुत लंबा हो गया है, हमारा तो टाइम 1 घंटे का था मगर लंबा हो गया अभी, तो आपके जो सारे क्वेश्चन है जो भी डाउट्स है, अभी भी डाउट्स तो नहीं रहने चाहिए मगर है आपके शायद डाउट्स, तो नीचे कमेंट करिए और बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको, तो मैं दूसरा शायद वीडियो, दूसरा ये ब्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का दूसरा एक पार्ट 2 करके हम बना देंगे। तो प्लीज 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 शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय दिस वीडियो प्लीज प्लीज। एंड अभी भी आपको है कि आपको अभी ही प्रश्न के जवाब चाहिए तो आप मुझे अभी कमेंट में करें, मैं अभी आपको ये रिप्लाई कर दूंगी। तो चलिए मैं 1 आधे घंटे तक अभी ऑनलाइन ही रहूँगी, तो आपको ये जो वीडियो में कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।